हेलो गाइस, आई एम अमित एंड यू वाचिंग टेक 90। और आज हमारे पास है दो बजट कैटेगरी के ब्लूटूथ स्पीकर्स। एक है यहाँ पे हमारा पोट्रोनिक्स डायनेमो, दूसरा यहाँ पर है बोटस्टोन ग्रेनेट। तो इस वीडियो में हम इनका कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा स्पीकर आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा एंड कौन सा स्पीकर आपको इस प्राइस पॉइंट पे परचेस करना चाहिए। जानने के लिए गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले इनका फिजिकल ओवरव्यू एंड बिल्ड क्वालिटी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोट्रोनिक्स को हम देख लेंगे। तो पोट्रोनिक्स के फ्रंट पे आपको मिल जाएगा इसका स्पीकर एंड एक बेस रेडिएटर यहाँ पे, और इसका जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है यहाँ पर ये मेटल बिल्ड है। एंड इसका राइट साइड में आपको एक आईओ कंपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए एंड एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। एंड ठीक ऊपर आपको एक स्ट्रैप होल्डर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में आपको सारे बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला बटन है यहाँ पर इसका पावर का, और अगर इस पर आप एक बार क्लिक करते हैं तो इसका एफएम मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है इसका एलईडी इंडिकेटर। थर्ड है यहाँ पर इसका वॉल्यूम माइनस के लिए बटन। तो बीच वाला बटन यहाँ पर इसका मल्टी फंक्शनल है, तो इसके मदद से आप अपने ट्रैक को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद कॉल्स को भी यहाँ पर रिजेक्ट एंड रिसीव कर सकते हैं। एंड लास्ट बटन यहाँ पर है इसके वॉल्यूम प्लस के लिए। स्पीकर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके नीचे यहाँ पर चार रबर पैडिंग दी गई है ताकि अपने सरफेस पे स्टेबल रहे, ज़्यादा ना हिले। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीकर के बैक साइड पे आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसका बॉडी यहाँ पर टोटली रबराइज्ड मटेरियल से बना हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बोट का फिजिकल ओवरव्यू एंड बिल्ड क्वालिटी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो बोट के फ्रंट साइड पर आपको इसका स्पीकर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड इसके बैक साइड पर इसका बेस रेडिएटर यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इसका जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है यहाँ पर ये फैब्रिक से बना हुआ है। स्पीकर के लेफ्ट साइड में आपको इसके सारे बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहला बटन है इसका वॉल्यूम प्लस के लिए, सेकंड है इसका वॉल्यूम माइनस के लिए, और ये थर्ड वाला बटन है ये पर मल्टी फंक्शनल है। तो इसकी मदद से आप अपने ट्रैक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपने कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं, उसके बाद रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे के साइड में इसका पावर बटन यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर के राइट पार्ट में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर के साइड पर यहाँ पर इसका स्ट्रैप लगाने का होल्डर दिया गया है एंड नीचे के साइड पे इसका आईओ कंपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है एंड इसके ऊपर बोट की ब्रांडिंग है। तो इसको निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है इसको चार्ज करने के लिए, एक ऑक्स पोर्ट यहाँ पे दिया गया है एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली इसका नाम ग्रेनेड है, तो अपने पॉकेट से निकाल के भाई किसी के ऊपर फेंक मत देना। सबसे पहले यहाँ पर इसके डिज़ाइन देख लेंगे हम। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पोट्रोनिक्स यहाँ पर टोटल यहाँ पर स्क्वायर शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये बोटस्टोन ग्रेनेट तो भाई नामी ग्रेनेट है, आप देख सकते हैं ग्रेनेट की तरह बना हुआ है। अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो बोट का ग्रेनेट है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगता है पोट्रोनिक्स से। तो अब इनके स्पेसिफिकेशंस को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले पावर आउटपुट देख लेंगे हम इनका। तो दोनों ही सेम है, 5 वाट के पावर आउटपुट के साथ आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। पोट्रोनिक्स के फ्रंट में आपको यहाँ पर इसका स्पीकर मिल जाएगा एंड बोट में भी आपको फ्रंट साइड में इसका स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर पोट्रोनिक्स के बेस रेडिएटर की बात करी जाए तो इसके फ्रंट में आपको मिल जाएगा इसका बेस रेडिएटर, बट बोट में आपको इसके बैक में इसका बेस रेडिएटर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इनकी बैटरी कैपेसिटी की बात करी जाए तो पोट्रोनिक्स में आपको 2000 mAh का बैटरी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि 12 आवर्स तक आप इसको प्ले कर सकते हैं। एंड बोट में आपको 1200 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, और कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि बोट में आपको लगभग 7 आवर्स का जो प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। तो बैटरी के मामले में यहाँ पर पोट्रोनिक्स बोट से बेटर है। तो अगर इनकी कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो पोट्रोनिक्स पे आपको ब्लूटूथ 5.0 के साथ साथ एक यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पर कि आप अपने पेन ड्राइव को लगा के सॉन्ग्स को यहाँ पर डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। एंड बोट में भी आपको ब्लूटूथ 5.0 के साथ साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट एंड एक ऑक्स पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर बोट इसको बीट कर देता है। एंड चार्जिंग की बात करी जाए तो पोट्रोनिक्स पे आप 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का चार्जर यूज़ कर सकते हैं एंड बोट में आप 5 वोल्ट 1200 mAh का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो चार्जिंग के मामले में यहाँ पर बोट स्लाइटली बेटर है पोट्रोनिक्स से। और अगर इनके वेट की बात करी जाए तो पोट्रोनिक्स यहाँ पर 266 ग्राम्स का है एंड बोट यहाँ पर 350 ग्राम्स का है। तो वेट के मामले में यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ा सा लाइट वेट है यहाँ पर पोट्रोनिक्स बोट के मुकाबले। दोनों की वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात करी जाए तो बोट यहाँ पर आता है IPX6 रेटेड के साथ, और कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पोट्रोनिक्स की बात करी जाए तो इस पर कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो
तो वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग के मामले में बोट यहाँ पे स्लाइटली बेटर है पोटरोनिक से। तो अब इन दोनों स्पीकर का साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं और आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि किसका साउंड क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। और साउंड टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप अपने ईयरफोन्स का यूज़ करें, साथ ही साथ मैं साउंड टेस्टिंग के लिए यहाँ पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम साउंड टेस्ट करेंगे पोटरोनिक्स का, तो इसको ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पावर ऑन ब्लूटूथ मोड, तो यहाँ पर डायनामो लिखा आ चुका है, इस पर क्लिक कर देंगे हम। पेयर डिवाइस पेयर्ड, तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। साथ ही साथ अपनी बैटरी परसेंटेज भी आप अपने फोन में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सॉन्ग्स को प्ले कर लेते हैं यहाँ से हम। Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't feel the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I could have help. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rush it, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Get him down and I'ma get it right. Get on sight, like. तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही चुका होगा कि इन दोनों का साउंड क्वालिटी कैसा है। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने लाइव यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके लाउडनेस की, तो लाउडनेस में मैं बोलूँगा पोटरोनिक्स बोट के मुकाबले ज़्यादा लाउड है, बट डिस्टॉर्शन आपको इसमें सुनने के लिए मिलेगा फुल वॉल्यूम पे, और बोट पे आपको ज़रा सा भी डिस्टॉर्शन यहाँ पे सुनने के लिए नहीं मिलेगा फुल वॉल्यूम में। हाइज यानी ट्रेवल्स की बात करूँ तो पोटरोनिक्स पे आपको ज़्यादा ट्रेवल मिलेगा इसके मुकाबले। मुझे पर्सनली इसका ट्रेवल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके भी ट्रेवल ठीक है बट इसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे कम है, तो ट्रेवल के मामले में ये आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देगा। और अगर इनकी बेस क्वालिटी की बात करी जाए तो दोनों ही स्पीकर का बेस मुझे बहुत ही पसंद आया, बट एक विनर मैं यहाँ पे चुनूंगा, वो है बोट, क्योंकि इसका जो बेस है ये अच्छा है बट फुल वॉल्यूम पे बेस फटने लगता है और इसका बेस फुल वॉल्यूम पे और भी तगड़ा लगता है सुनने में। तो बेस के मामले में बोट यहाँ पे ज़्यादा बेटर है पोटरोनिक्स के मुकाबले। एंड साउंड क्लियरिटी की बात करी जाए तो पोटरोनिक्स के मुकाबले यहाँ पर बोट में आपको साउंड क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपको बोट का स्पीकर यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका जो साउंड क्लैरिटी है इतना अच्छा नहीं है। 80% वॉल्यूम में तो बहुत ही बढ़िया लगता है सुनने में, बट 100% वॉल्यूम में यहाँ पर डिस्टॉर्शन करने लगता है, बट यहाँ पर ये बोट जरा सा भी डिस्टॉर्शन आपको फील नहीं कराएगा।
तो अब बात करते हैं कि इन दोनों स्पीकर्स में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो एंड जिसका साउंड भी बहुत ज़्यादा लाउड हो एंड बैटरी बैकअप इसका एकदम तगड़ा हो, तो डेफिनेटली आप पोर्टोनिक्स को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप एक ऐसा स्पीकर ढूंढ रहे हैं जिसका साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया हो, साथ ही साथ देखने में भी बहुत ही तगड़ा हो एंड जिसकी डिज़ाइन एकदम एक नंबर रहे, तो आप बोट को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एंड आप बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में, तो पोर्टोनिक्स को आप यहाँ पर 1299 में परचेस कर सकते हैं एंड बोट को आप यहाँ पर 1399 में परचेस कर सकते हैं। एंड मैं इनका परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाने में। एंड आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो बेल वाला आइकॉन है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपका भाई आपके लिए कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।